शाहरुख खान की फिल्म के लिए क्रेज का ऐसा आलम है कि पड़ोसी देशों के थिएटर्स में वहां की अपनी फिल्मों से ज्यादा शोज जवान के चल रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में रिलीज के साथ ही जवान ने इतिहास रच दिया, वहीं नेपाल में भी ये फिल्म पहले ही दिन से काफी अच्छी कमाई कर रही है। बांग्लादेश में जवान ने मचाई खलबली। जी हां, शाहरुख खान की फिल्म का बांग्लादेश में रिलीज होना ही अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। बांग्लादेशी थिएटर्स में पहली बार कोई भी भारतीय फिल्म अपनी ग्लोबल रिलीज वाले दिन ही थिएटर्स में पहुंच गई है। हालांकि फिल्म की रिलीज को लेकर पहले लोकल सिनेमा इंडस्ट्री से थोड़ा विरोध जरूर झेलना पड़ा। बांग्लादेशी सिनेमा से जुड़े कई मेकर्स भारत के साथ ही अपने देश में भी जवान की रिलीज के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हमें अपनी देशों में बनी फिल्मों को प्रायोरिटी देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकल फिल्में हैं इससे नुकसान होगा, और क्योंकि शाहरुख का क्रेज़ बहुत बड़ा है और दर्शकों का सीधा जवान की तरफ फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में खबरें ये भी आई कि इस विरोध से बांग्लादेश में शाहरुख खान की फिल्म का रिलीज होना टल सकता है, लेकिन इस कंफ्यूजन के बीच थर्सडे के दिन ही फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया और ये शाम के शो से ही थिएटर में पहुंच गई। जवान की रिलीज की खबर से जनता की एक्साइटमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ी और टिकट धड़ाधड़ बुक होने लगे। बताया जाता है कि इस डिमांड के चलते ढाका के एक बड़े मल्टीप्लेक्स ब्लॉकबस्टर सिनेमास की जो वेबसाइट है वही क्रैश हो गई, लेकिन जनता शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखने के लिए इतनी बेताब थी कि ऑनलाइन टिकट नहीं मिले तो दर्शक सीधे थिएटर की खिड़की पर पहुंच गए। बांग्लादेश में फिल्मों का ऐसा क्रेज है कि ढाका के दो बड़े मल्टीप्लेक्स ब्लॉकबस्टर सिनेमास और स्टार सिनेप्लेक्स में शनिवार रविवार को सबसे ज्यादा शोज जवान के ही चल रहे हैं। इन थिएटर्स में जहां शनिवार के लिए घरेलू बांग्लादेशी फिल्मों के 2-3 शोज हैं, वहीं जवान के 10 से 12 शोज हैं। यही हाल संडे की बुकिंग का भी है। भारत में रिलीज के 6 महीने बाद शाहरुख खान की पठान बांग्लादेश में रिलीज हुई थी और उस वक्त भी वहां ये सबसे ज्यादा देखी गई विदेशी फिल्म बन गई थी। शाहरुख के क्रेज का अंदाजा शायद बांग्लादेशी फिल्म प्रोड्यूसर्स को पहले से ही था। वहां 8 सितंबर को रिलीज होने जा रही 2 घरेलू फिल्मों को आगे के लिए इसीलिए टाल दिया गया। नेपाल में जवान की काफी तगड़ी शुरुआत हुई है। नेपाल में शाहरुख खान की पठान सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म बनी थी और वहां इसके टिकट हॉलीवुड की बड़ी फिल्म अवतार 2 से भी कहीं ज्यादा बिके थे। नेपाली ऑडियंस में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी यूं समझी जा सकती है कि पिछले साल सबसे बड़ी नेपाली फिल्म छक्का पंजा 4 ने 17 करोड़ नेपाली रुपए कमाए थे। वहीं विदेशी फिल्म होने के बावजूद पठान की कमाई 13 करोड़ नेपाली रुपए से भी ज्यादा थी। भारतीय सुपरस्टार के इस क्रेज को देखते हुए ही इस बार वहां जवान ग्लोबल रिलीज के दिन ही थिएटर्स में पहुंच गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जवान ने नेपाल में पहले दिन करीब 1,57,00,000 नेपाली रुपए, जो कि करीब 98 लाख रुपीज होता है इंडियन रुपीज, उसका ग्रॉस कलेक्शन किया है। नेपाल में बॉक्स ऑफिस साइज के हिसाब से यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस कलेक्शन से अनुमान लगाया जा रहा है कि जवान नेपाल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म पठान को पीछे छोड़ सकती है। उधर श्रीलंका से भी यही खबरें आ रही हैं। जवान की शुरुआत श्रीलंका में भी जोरदार तरीके से हुई है और शुक्रवार को वहां भी फिल्म के शोज में जमकर भीड़ जुटने लगी। श्रीलंका से भी थिएटर्स में जवान के लिए चीयर करते हुई भीड़ दिखी। गानों पर डांस करते हुए लड़के लड़कियां दिखाई दे रहे थे और सोशल मीडिया पर ऐसे खूब वीडियोज छाए हुए हैं। शनिवार के लिए श्रीलंका में जवान के टिकट्स की जबरदस्त डिमांड रही। ज्यादा थिएटर्स में फिल्म के शोज भरे हुए हैं, कई जगह कुछ सीटें खाली हैं तो वो भी तेजी से बढ़ रही हैं और जवान के शोज की संख्या भी तेजी से श्रीलंका में बढ़ रही है। शाहरुख खान की जवान सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली हिंदी फिल्म है और पहले दिन ही इसकी कमाई सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। भारत में ये फिल्म ने 2 ही दिन में 128 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया, जबकि 2 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है। फिल्म की कुल कमाई में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से हो रही कमाई का हिस्सा चाहे बहुत थोड़ा सा हो, लेकिन अपनी लोकल फिल्मों को ऊपर रखने वाले इन देशों में जवान की कामयाबी हिंदी फिल्मों और शाहरुख खान के क्रेज को एक अलग लेवल पर बता रही है। दोस्तों, ये तो उन देशों का हाल है जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि वहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है। श्रीलंका तो बहुत तरह के संकटों से जूझ रहा है। बावजूद इसके शाहरुख खान की फिल्म का ऐसा क्रेज होना हम सभी भारतीयों के लिए इसलिए भी प्रसन्नता का विषय है क्योंकि ये हमारा ही व्यापार है जो फल फूल रहा है, यानी हमारे ही देश में बना हुआ ये वो प्रोडक्ट है जो आसपास के देशों में भी इतनी तेजी से बिक रहा है। एक तरह से ये हम सभी के लिए खुश होने का समय है, इस बात को भुलाकर कि शाहरुख खान की राजनीतिक विचारधारा क्या है या आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। इससे ऊपर उठकर सोचें और इस बात को सोचें कि एक भारतीय फिल्म इतने सारे देशों में तहलका मचा रही है, तो एक भारतीय होने के नाते ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे पोस्ट करके मुझे भी बताइए।